नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। आप देख रहे हैं खास खबर। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की जो हालत हुई थी वो पूरे देश ने देखी। सड़कों पर रोते बिलखते बच्चों के साथ पैदल ही प्रवासी मजदूरों ने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया था। इसीलिए प्रवासी मजदूर लॉकडाउन का नाम सुनते ही सहम जाते हैं, और यही वजह है कि बाहर काम कर रहे मजदूर अब एक बार फिर अपने अपने घर की तरफ लौटने लगे हैं, ताकि पिछले साल की तरह वो इस साल भी कहीं फंस ना जाएं। जिस तरह से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और राज्य सरकारें पाबंदियां लगा रही हैं, इन मजदूरों को डर है कि एक बार फिर लॉकडाउन न लग जाए। दिल्ली वासियों को सूचित किया जाता है कि कोरोना वायरस कोविड-19 से बचने के लिए हमेशा अपने चेहरे पर मास्क लगाएं। फिर लोगों को सताने लगा लॉकडाउन का डर। दुकानदारों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे सभी फेस पर मास्क लगाएं। दिल्ली मुंबई से शुरू हुआ मजदूरों का पलायन। यदि कोई व्यक्ति बिना फेस मास्क के घूमता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही करते हुए चालान किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों पर लगी भारी भीड़। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। अगर जरूरी है तभी बाहर निकलें। फिर दिखने लगी पिछले साल जैसी तस्वीर। दुकानों व सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, ये कानूनन भी जरूरी है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त तेजी के बाद सरकारें हरकत में आई हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई, लखनऊ से लेकर भोपाल तक पाबंदियां लगा दी गई हैं। देश में करीब एक दर्जन राज्यों ने अपने यहां नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन जैसी पाबंदी लगा दी है। ऐसे में अब लॉकडाउन का खतरा बढ़ता देख प्रवासी मजदूरों का पलायन फिर से शुरू हो गया है। बीते दिन दिल्ली, पुणे से तस्वीरें सामने आई और अब मुंबई का भी यही हाल है। दरअसल मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर उत्तर भारत के मजदूरों की भारी भीड़ है। हर कोई अपने घर को लौट जाना चाहता है, क्योंकि डर है कहीं अचानक लॉकडाउन लग गया तो पिछले साल जैसे हालात न बन जाएं। बता दें, बीते दिन दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे की तस्वीरें भी सामने आई थी, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार जाने के लिए तैयार थे। मजदूरों का यही कहना था कि पिछले साल लॉकडाउन में वो यहां फंस गए थे, जिसकी वजह से काफी मुश्किलें भी हुई थी। अब जब हालात वैसे ही बन रहे हैं तो वो चाहते हैं वक्त रहते वो अपने घर पहुंच जाए। वहीं पुणे के रेलवे स्टेशन पर भी मजदूरों की भारी भीड़ यूपी, बिहार, बंगाल के लिए रवाना हो रही है। दरअसल कोविड-19 की वजह से जब बीते साल मार्च में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, मुंबई और दिल्ली के साथ साथ देश के कई बड़े शहरों से मजदूरों का पलायन हुआ था। हालांकि अक्टूबर नवंबर तक संक्रमण के मामलों में कमी और आर्थिक गतिविधियों का संचालन शुरू होने के बाद प्रवासी मजदूर काम की तलाश में एक बार फिर शहरों में लौटने लगे थे, लेकिन अब कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच एक बार फिर वही हालात नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात से सैकड़ों मजदूर रोजाना अपने गांव घर की ओर लौट रहे हैं। यहां से निकलने वाली ट्रेनें और बसें यात्रियों से भरी हैं। कई जगह 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसकी वजह से नाइट शिफ्ट में काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों के समक्ष रोजगार का संकट पैदा हो गया है जो आवश्यक सेवा में नहीं आते हैं। इसीलिए ये लोग एक बार फिर अपने अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन मजदूरों के पलायन से किन उद्योगों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है वो भी आपको बताते हैं। फिर से इन उद्योगों का उत्पादन हो सकता है प्रभावित। मजदूरों के पलायन करने से पावरलूम इंडस्ट्री सहित उनसे जुड़े साइजिंग, डाइंग कंपनियों के अलावा मोती कारखाना और गोदामों के कामकाज, कंस्ट्रक्शन के काम पर बड़ा असर पड़ने वाला है। राज्य सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन के बीच साल 2020 में मुंबई समेत पूरे राज्य में 11 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ था। हालांकि आंकड़ों में ये संख्या करीब 25 लाख के आसपास थी। कहां कहां से आते हैं प्रवासी मजदूर? एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार के मजदूर खासतौर पर मुंबई और दिल्ली में सबसे ज्यादा जाते हैं। फिर नंबर आता है मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड के मजदूरों का। हालात ऐसे होते देख हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है, क्या सही में आने वाले समय में लॉकडाउन लगेगा? आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने की वजह से कई राज्यों ने अपने यहां नाइट कर्फ्यू या वीकेंड लॉकडाउन लगाया है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों ने पूरा या फिर चिन्हित शहरों में इसे लागू किया है। ऐसे में हर तरफ यही सोच है कि हालात बेकाबू हुए तो लॉकडाउन लग सकता है। हालांकि बीते दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा कि अभी संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, नाइट कर्फ्यू काफी है और टेस्टिंग पर जोर देने की जरूरत है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। खास खबर में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।